या गए हमारे कि अलाइव बॉर्न जो बेबी हैं उनके आपको क्या साइंस मिल सकते हैं, फीटस वॉज अलाइव आफ्टर कंप्लीट बर्थ, ठीक है, या एज आई टोल्ड यू कि इन इंडिया एंड पाकिस्तान वन पार्ट ऑफ द बेबी वॉज, और उसने भी साइन शो कर दिया तो हम उसको लाइव बर्थ में ले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें वही बात आ गई कि वर्निक्स केजियोजा इज एबसेंट नॉर्मली लाइव बर्थ में और दैट कैन बी इवन प्रेजेंट अगर वॉश ना दिया गया हो, ठीक है। उसके बाद चेस्ट की क्यों इंपॉर्टेंस है, डेड बॉर्न में चेस्ट फ्लैट क्यों होता है और लाइव बॉर्न में चेस्ट थोड़ा ड्रम शेप्ड क्यों होता है, पहली ब्रेथ के साथ वर्णित पहली ब्रेथ के साथ। तो डायफ्राम के ऊपर भी आपको पता होगा कि लेवल नीचे होगा और ऊपर होगा, यू नो अबाउट के एक में जब रेस्पायर कर लेता है जो लंग, जब आप एक्सपीरेशन इंस्पीरेशन में यू नो अबाउट के लेवल कहाँ पे जाता है डायफ्राम का, ठीक है। सिमिलरली हम लंग्स पे जाएंगे, ठीक है, ये आपका आ गया कि इसी तरह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड डेज के हिसाब से स्पेसिफिकली अगर उसमें कट कर दिया गया होता है, ठीक है, क्लैंप कर दिया गया होता है तो उसमें भी स्कारिंग जो कंप्लीट रिकवरी हो जाती है अप टू 10 डेज हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स द बेबी इज प्रेजेंटेड इवन विद द एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, डेड। और इन दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एग्जामिन दैट एम्बिलिकल कॉर्ड टू, बिकॉज एम्बिलिकल कॉर्ड की एक तो नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर समटाइम अलाइव कि आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, कुछ हमें नई सब कुछ मिल गया होता है, हार्ट इज अबाउट टू फंक्शन, हाउ हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली नाउ, सो थिंग्स आर गोइंग टू क्लोज, एम्बिलिकल आर्टरीज, एम्बिलिकल वेन्स, डक्टस विनोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस, ये सब जो है वो अप टू 10 डेज खत्म बंद हो जाते हैं। फोरमेन ओवेल कब बंद होता है, अप टू, लंबा चलो थोड़ा सा, अप टू 3 to 6 month में, बट कुछ लोगों में कुछ बच्चों में 2 years तक भी पेटेंट रहता है, एंड इन सम कंडीशन यू नो अबाउट पर्सन जो पूरी लाइफ भी उनका फोरमेन ओवेल जो है वो ओपन रहता है, थोड़ी सी एक्सेप्शनल केसेस जिनके अंदर आते हैं, ठीक है। फीटल